नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जांगिड एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीम 360 के इस प्रोग्राम में। जैसा कि हमारे यहां पे अलग अलग स्टेट से जो है फ्रेंचाइजीज आती हैं और यहां पे ट्रेनिंग लेके अपना एक ओन बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, उसी विषय में हमारे पास आज आए हुए हैं महाराष्ट्र से जो है शंकर जी, जिन्होंने यहाँ पे फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी ये। तो इनसे जानते हैं इनका क्या अनुभव था आने से पहले, अभी ये जाके इन्होंने जब ट्रेनिंग ले ली है यहाँ पे तो ये जाके क्या वहाँ पे जो है स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए जानते हैं शंकर जी से। शंकर जी, हमारे दर्शकों को बताइए आप किस तरीके से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे और क्या अनुभव है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर सिंह गहलोत, टीम 360 ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये यूट्यूब देख के मैंने इन लोगों को, अक्टूबर से मैं इनके पीछे हूँ और मेरा कांस्टेंट कांटेक्ट इनसे चल रहा था और अभी सौभाग्य मिला है कि मैं दो दिन की ट्रेनिंग पे यहाँ जयपुर आया हुआ हूँ। और ट्रेनिंग से पहले मुझे सिर्फ इतना ही मैं सोचता था कि भाई बहुत से डाउट्स थे कि क्या होगा कैसे होगा, परंतु दो दिन की ट्रेनिंग में जो मुझे डिटेल यहाँ से मिले हैं उससे हम लोग अति उत्साही हैं। और ट्रेनिंग के बाद में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं उनकी प्रोग्रेस के लिए मैं अच्छा काम कर सकूंगा और टीम 360 का मैं धन्यवाद करूंगा। चलिए इसी क्रम में जो है आगे बात करते हैं डॉक्टर एनके शर्मा जी से, जो कि केस प्रिंसिपल भी हैं। प्लीज सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। नमस्कार, हमारे स्कूल में इन्होंने प्रोग्राम किया था आज से लगभग 4 साल पहले, मोर देन 180 बच्चे हमारे प्रोग्राम में आए थे, हर बच्चे का अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद में बच्चों की जो प्रतिभा काफ़ी निखर के आई, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई, एग्जामिनेशन में परसेंटेज भी बहुत अच्छे हो गए, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। तो मैं जो ये वीडियो देखने वाले पेरेंट्स हैं, स्कूल के डायरेक्टर, उनसे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ये प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कराएँ और लाभ उठाएं जैसा हमारे पेरेंट्स ने करवाया है। धन्यवाद। इसी क्रम में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब हमारी कंपनी के टीम 360 डिग्री कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर डीडी शर्मा जी से, वो अपने क्या विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चलिए उनसे ही जानते हैं। सर प्लीज। मैं डीडी शर्मा, टीम 360 का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको कुछ एक नई बातें बतलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं श्री शंकर सिंह जी गहलोत और इनके सुपुत्र इनके साथ आए हैं चंदन सिंह जी गहलोत और अपने एक मनीष और आए थे आज ट्रेनिंग लेने के लिए, बाकी कुछ लोग और भी हैं जो मेरे ख्याल से अभी साथ में अपने जुड़ेंगे। इन सब का पहले तो हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी दूर से चलकर आए और हमारे से ये प्रशिक्षण लिया और हमारे साथ अब जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं। अब मैं मेरी तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि शंकर सिंह जी गहलोत और उनके सुपुत्र चंदन सिंह जी जब यहाँ से जाए तो कमिटमेंट के साथ जाए कि अपने को आगामी 5 वर्ष के लिए एक प्लान लेना है और उस प्लान के साथ अपने को काम करना है। जहां कहीं भी हमारी जरूरत महसूस हो वहां हम तैयार हैं, और वैसे भी हम वीक में एक दफा, उसके बाद में महीने में एक दफा, फिर उसके बाद में 2 महीने में एक दफा हमारी जो है डायरेक्टर महोदय जो है वो बात करते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद विनीत सर बात करते हैं और 6 महीने बाद मैं स्वयं जो है एक एक फ्रेंचाइजी से बात करता हूँ ताकि उनकी एक सफल स्टोरी बनाने में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है चंदन सिंह की युवा शक्ति के अंदर और शंकर सिंह जी के अनुभव में, उनके उत्साह के अंदर पूरा विश्वास है कि ये पुरजोर इस काम में अपनी ताकत लगाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रदान करेंगे। हम जब भी कभी वो भी कहेंगे हमारे यहाँ से टीम भेजी जाए, हम बिल्कुल उन्हें निस्संदेह टीम भेजेंगे, चाहे उस टीम को वहां 2 दिन रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े या महीने में एक बार से अधिक भी बुलानी पड़े तो भी भेजेंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसा, जैसे कि मान लो 50 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया या मान लो 1000 बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया या 100 पेरेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया, ऐसा यदि लार्ज स्केल पर कोई काम करेंगे तो हमारी टीम वहां पर अवश्य मैं पहुंचेगी और मैं स्वयं वहां पहुंचूंगा ताकि अपन एक कीर्तिमान स्थापित कर सके, इनका बीड़ा है उसमें अपन अपना पूरा यज्ञ में आहुति प्रदान कर सके। धन्यवाद।